ज्योग्राफी के जिस नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया उसका नाम है चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन तथा विकास। ये ज्योग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो इसका जो हम पहला टॉपिक आज डिस्कस करने आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। रिसोर्सेज व्हिच क्वांटिटी इज नॉट रिड्यूस, इसकी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हो सकती है, लगातार यूज करते रहिए जितना भी यूज करना है। एंड विच कैन बी रिपीटेडली यूज विदाउट फियर ऑफ एग्जॉशन एंड टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे कैन बी रिन्यूड, ये दोबारा बन सकते हैं, और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, और दोबारा से इन्हें बनाया जा सकता है भौतिक तरीके से, रासायनिक तरीके से और यांत्रिक तरीके से। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, वाटर और फ्लो रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन के अंदर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि सूरज का प्रकाश, विंड, वाटर, ये फ्लो रिसोर्सेज हैं। फ्लो रिसोर्सेज किसे क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि लगातार क्या आ रहे हैं, इस्तेमाल के अंदर आ रहे हैं। वो स्टॉक इज कंटिन्यूसली एंड आर बीइंग यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल, ये बहुत ही लंबे टाइम से, बहुत ही पीछे के टाइम से, पूर्वजों के समय से इन्हें लगातार इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बायोटिक रिसोर्सेज डेट आर रिन्यूएबल मे बी टेम्परली डैमेज बट मे बी रिन्यूड अगेन बाय नेचुरल प्रोसेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। इसको हम नेचुरल प्रोसेस और प्रॉपर मैनेजमेंट के सहायता से रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी जितना खत्म हो गया उसे भरा जा सकता है, हील करा जा सकता है। एग्जाम्पल विंड, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अगले आते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। सब्सटेंसेस व्हिच स्टॉक्स गेट्स रिड्यूस एंड आर ग्रेजुअली एग्जॉस्टेड विद यूज आर टर्म्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। लगातार क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल के दौरान खत्म हो रहा है, एक ऐसा भंडार जो लगातार इस्तेमाल के दौरान धीरे धीरे इसकी मात्रा जो है वो एनवायरनमेंट में से कम हो रहा है। दे कांट बी इंक्रीज्ड और रिकवर, ध्यान में रखने वाली बात है बेटा, ये ना ही इनको बढ़ाया जाता है ना ही रिकवर हो सकता है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी को बनने में बहुत ही साल टाइम लगता है। दिस क्वांटिटी इज द मोर और लेस फिक्स बिकॉज देयर इंफॉर्मेशन टेक्स लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, इनको बनने में बच्चा बहुत लंबा टाइम लगता है, लंबा टाइम का मतलब है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, क्योंकि ये जैविक संसाधन है एक तरह से, जो मिट्टी के भूपट्टी के नीचे पाए जाते हैं, मिट्टी के सतह के नीचे पाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह में पाए जाते हैं। दी रिसोर्सेज कैन नेवर बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, ये दोबारा से एक बार यूज होने के बाद इन्हें दोबारा किसी दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, जैसे कि पेट्रोल है, कोल है और भी अदर मिनरल है जिनको हमने इस कैटेगरी के अंदर डाला है। पेट्रोल एक बार बेटा जल जाने के बाद बेटा वो बर्न हो जाएगा, उसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते, डीजल है और भी अलग पदार्थ है। तो ये था आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन।